नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि झारखंड सहायक शिक्षक आकलन परीक्षा को लेकर बिहार का एक फर्जी अभ्यर्थी कोडोबा में धराया। अन्य जिलों में एग्जाम की स्थिति नाजुक है। बताया कि जैक द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक आकलन लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान कोडोबा में परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को रंगे हाथ पकड़ा गया है। केंद्राध्यक्ष के आवेदन के बाद पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी द्वारिका राम ने फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की बात कही है। बता दें कि फर्जी अभ्यर्थी बिहार के गया का निवासी रहने वाला है। बता दें कि रविवार को सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2023 के लेवल 1 और 2 के लिए कोडोबा जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से जे जे कॉलेज के परीक्षा केंद्र में फर्जी तरीके से अब परीक्षा देते हैं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के गया निवासी पिंटू प्रसाद बताया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर हिंसा के खिलाफ झारखंड में मौन विरोध, 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मांगा न्याय। जबकि हजारीबाग में मणिपुर में आगजनी, हत्या, बलात्कार, हिंसा एवं अशांति के विरुद्ध में आदिवासी छात्र संघ की ओर से रविवार को मौन विरोध किया गया। इसकी तहत मानव श्रृंखला बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 कोनार पुल के पास से शुरू होकर संत कोलंबा कॉलेज, कॉर्मल चौक, बस स्टैंड, पुराना समाहरणालय, मिक्की डीसी कार्यालय तक करीब 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा रोकने से संबंधित लिखे स्लोगन की तख्ती हाथ में लिए हुए थे। बचले के मानव श्रृंखला में शामिल धर्मगुरु, शिक्षाविद, शिक्षक भी हाथों में तख्ती लेकर मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इसमें सत्य, प्रेम, अहिंसा, एकता, शांति, भाईचारा को बढ़ाने की मांग की गई। चर्चा पर हमला करना बंद करो, मणिपुर को न्याय दो, नारियों को सम्मान दो का नारा लगा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर रांची के नगड़ी में चल रहा था अवैध बाल आश्रय गृह, कई गड़बड़ियां मिली, प्राथमिकी हुई दर्ज। मजले के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीआरसी के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने नगड़ी थाना क्षेत्र के कुंडे में अवैध रूप से चल रहे बाल आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद नगरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शनिवार की शाम 4 बजे अध्यक्ष श्री कानको और राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष काजल यादव ने कुटे में स्थित गिरजा देवी सहदेव राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अवैध तरीके से चल रहे रेनबो बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। पाया कि वर्तमान में वहां 55 बच्चे रह रहे हैं, जिन्हें स्कूल के सरकारी भवन में रखा जा रहा है। इसमें 4 बच्चों को बाल कल्याण समिति ने चुटिया के प्रेमाश्रय में रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद बच्चों को यहां रखा गया था। इन 4 का यहां कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया है। बाल गृह परिषद ने एक नाबालिग बाहरी युवक से धारदार औजार से घास कटवाया जा रहा था। आपको बता दें कि परिसर की जांच के क्रम में वहां पर कफ सिरप की 17 बोतलें मिली हैं। इसके साथ दवा का कोई पर्चा नहीं था। बाल गृह संचालक से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई तो वह कोई भी उचित प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। बाल गृह के नाम पर सरकार और विदेशों से भी फंडिंग ली जा रही है। रेनबो बाल गृह में पिछले वर्ष भी निरीक्षण के क्रम में पॉक्सो का उल्लंघन पाया गया था। उस वक्त भी नगरी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 80% सीटों पर स्थानीय की ही बहाल, हर जिले में आरक्षण की स्थिति अलग अलग। मचले के राज्य में वर्तमान में सरकारी नियुक्ति में 60% आरक्षण का प्रावधान है, 40% सीट अनारक्षित है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक सहायक आचार्य नियुक्ति में 80% सीट झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। राज्य के 6 जिलों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक सीट आरक्षित है। वहीं 4 जिले में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 20% से अधिक आरक्षण है। राज्य में प्राथमिकी सीटों का कैंडर जिला स्तरीय है। इसके अलावा 50% सीट स्कूलों में पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें से 20,748 पद 80% आरक्षित हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में सीएम पशुधन विकास योजना में लाभकों से धोखाधड़ी, सरकार से मिली गाय दे रही है सिर्फ 2 लीटर दूध। जी हां, तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत महिलाओं को 60,000 रुपये में मिली गाय हर दिन 2 से
8 लीटर ही दूध दे रही हैं, जबकि योजना के मानक के तहत कीमत के अनुसार उसे 15 लीटर दूध देनी चाहिए। सरकार ने योजना के तहत लाभुकों को दी जाने वाली गाय का मूल्य निर्धारित करने के लिए फार्मूला तय किया था। इसके तहत गाय की कीमत प्रति एक लीटर दूध के लिए 4,000 रुपये निर्धारित है, यानी अगर कोई गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो उसकी कीमत 40,000 रुपये होगी। प्रतिदिन 15 लीटर दूध देने वाली गाय की कीमत 60,000 रुपये तय की गई थी। अंशदान के रूप में सरकार ने निर्धारित राशि से अधिक की वसूली की है। बात चले कि लाभुकों से अंशदान के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक की वसूली की गई है। साथ ही लाभुकों का पशु शेड बनाने में भी आनाकानी की जा रही है। लाभुकों में से पूछताछ के दौरान योजना में हुई गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों हुई समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना में हुई गड़बड़ी पर नाराजगी भी जता चुके हैं। योजना के लाभुकों के अभी एक गाय मिली है, दूसरी गाय पहली गाय मिलने के 6 महीने बाद मिलेगी। कुछ लाभुकों को अभी तक पहली गाय भी नहीं मिली है। योजना के लाभुकों को मनरेगा के तहत 120 वर्ग फुट क्षेत्र में पशु शेड बनाकर देना है। हालांकि पहली गाय मिलने के बाद लाभुक पशु शेड के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लाभुकों ने तो पशु शेड के लिए प्रखंड के कर्मचारियों को पैसा देने की भी बात कही है। तो मंजूरी वो चौथी सोमवारी को लेकर देवघर डीसी ने कांवरिया रूट का लिया जायजा। नौलखा मंदिर का जीर्णोद्वार शुरू। मजले के श्रावणी मेले के दौरान मलमास के महीने में पड़ने वाली चौथी सोमवारी 31 जुलाई 2023 को श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलापण कराने के लिए तैयारी दुरुस्त कर ली गई है। कांवरिया पद होल्डिंग पॉइंट और लाइन में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मुस्तैद रहे हैं। उक्त निर्देश देवघर के नए डीसी विशाल सागर के कांवरिया पद दुमता से लेकर संपूर्ण रूट लाइन के पैदल भ्रमण के दौरान दिए गए हैं। तो वही दूसरी ओर अमृत भा स्टेशन योजना को लेकर के 6 अगस्त को चकधरपुर रेल मंडल के 4 स्टेशन का शिलान्यास। इस योजना के बारे में बचले के रेल बजट में घोषित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चकधरपुर रेल मंडल के 13 स्टेशनों का कार्यकलाप होगा। जानकारी के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहली कड़ी में झारखंड के राज्य खरसावा व मनोहरपुर तथा उड़ीसा के राजगंगपुर व बड़बिल रेलवे स्टेशन में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास 6 अगस्त को होगा। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ऑनलाइन जुड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी तक रेलवे की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे की ओर से इसको लेकर नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। तो वही दूसरी वो झारखंड में अपनी मांगों को लेकर आर पार के मुंड में कुड़मी समाज 20 सितंबर को बंगाल की तर्ज पर जोरदार आंदोलन। मजल की कुड़मी विकास मोर्चा के बैनर तले केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार की अध्यक्षता में राजधानी रांची के स्थानीय होटल में आवश्यक बैठक की गई। झारखंड से केंद्रीय समिति और जिला समिति के मुख्य कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बैठक में कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए जोरदार आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत 20 सितंबर को बंगाल की तर्ज पर अनिश्चितकालीन रेल टेका किया जाएगा। यह रेल टेका तब तक जारी रहेगा जब तक कि कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भाजपा सरकार हाउस में नहीं करती है। बदले के 20 सितंबर को पूरी मुरी रेलवे स्टेशन पर जोरदार विरोध किया जाएगा। रेलवे कुड़मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष सर टोटेमिक कुड़मी महतो समाज के मुख्य संयोजक शीतल होदार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 20 सितंबर को झारखंड के सभी टोटेमिक कुड़मी नामधारी संगठन मुरी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में उतरेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2004 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहते कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की केंद्र सरकार को अनुशंसा कर चुके हैं। अब अर्जुन मुंडा किस आधार पर टीआरआई की बात करने लगे हैं, इससे साबित होता है कि उन्होंने कुड़मी समाज को छलने का कार्य किया है, लेकिन कुड़मी समाज अब इसे समझ चुकी है। तो वही दूसरी ओर धनबाद के कुनसुंडा में एक युवक की तालाब में डूबने से हो गई मौत। पता चला कि धनबाद स्थित कुनसुंडा तालाब में नहाने गए गोदर बेलदारिया बस्ती निवासी लाला चौहान के एकलौते पुत्र प्रेम कुमार चौहान डूबने लगा। इसी बीच तालाब के आसपास नहा रहे लोगों ने प्रेम को पानी में डूबते देख पानी से बाहर निकाला तो उसे अचेत पाया। इस दौरान SNMMCH अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में मृतक के पिता लाला चौहान ने बताया कि सपरिवार गनुडी गए हुए थे। गनुडी में गांधी चबूतरा के पास शुक्रवार की सुबह गोप में समाया व्यक्ति परमेश्वर चौहान मेरा बड़ा सारा था। रविवार को रगनुडी से लौटने पर घर में नहाने के लिए
पानी नहीं रहने पर प्रेम दोपहर लगभग पौने दो बजे के करीब कसुंडा तालाब नहाने के लिए गया था। इसी बीच लोगों ने प्रेम की तालाब में डूबने की सूचना दी, जिसके बाद कसुंडा तालाब के पास पहुंचा तो प्रेम की सांस चल रही थी, लेकिन प्रेम अचेत पड़ा था, जिसे बस्ती के लोगों के सहयोग से अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो दूसरी ओर देवघर में रंगदारी को लेकर घर में तोड़फोड़ और फायरिंग जांच में जुटी पुलिस। रिकिया थाना क्षेत्र के बंद्रा बैरागी टोला के एक घर में घुसकर रंगदारी की मांग को लेकर 29 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे 15 से 20 लड़कों ने गाली गलौज तोड़फोड़ की थी। 2 महिलाओं की सोने की कनबाली एवं 1 गले के सोने की चैन छिनतई कर ली थी। इस क्रम में घर में रखा नगद 45,000 रुपये लेकर घर वालों को जान मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। शिकायत पर रिकिया थाने की पुलिस प्राथमिक दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही थी। फिर देर रात करीब 11:50 बजे पिस्तौल रहते हुए वे सभी पीड़िता के घर घुसे और खूब तोड़फोड़ की। गृहस्वामी के मुताबिक बदमाशों ने पीड़िता के घर के पास 2 राउंड फायरिंग भी की है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। ऐसी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। उम्मीद है कि आपको खबरें पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही खबरों पाने के लिए। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।